अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम में। आपको पता है कि 20 तारीख को एंट्री टेस्ट है। अब इतना बड़ा नेशनल स्टेडियम है भाई, तो उसको गाइड तो करना होगा ना स्टूडेंट्स को कि कौन कौन से गेट से कहाँ से आना है। तो वासिल भाई प्लीज़ ज़रा बताएं कि गेट वन पे हम मौजूद हैं, फजल महमूद गेट है, यहाँ से कौन आएगा आगे की प्लीज़ कहानी बताएं। अच्छा कुतायो भाई, हम इस वक्त गेट नंबर वन पे मौजूद हैं। ये बिल्कुल AOHS सोसाइटी के बिल्कुल अपोजिट गेट नंबर वन है, जिसके बाहर एक बहुत बड़ा बैनर लगा होगा PIC सिलानी का। उसके ऊपर मेंशन होंगे रोल नंबर्स कि कौन सी फीमेल कैंडिडेट उस गेट से एंटर होके, आप देख सकते हैं सामने गेट आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल ब्लैक कलर का गेट है। इस दरख्त के पीछे अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके प्रॉपरली, इस गेट से कैंडिडेट ने एंटर होना है। वहाँ पर स्पेशल ब्रांच वाले होंगे, कैंडिडेट अपने साथ में एक प्रॉपर जो उसका एडमिट कार्ड दिया हुआ है सिलानी PIC का, वो कैरी करेगा, वो वहाँ पे उसको चेक करवाएगा और फिर अंदर मूव ऑन करते हुए वॉक करते हुए सीधा इस इंक्लोजर के ऊपर, कुछ एक आध मिनट की वॉक है और यहाँ पे पहुँच के, और फिर इस इंक्लोजर के अंदर अगर थोड़ा सा इसको हम आगे भी करके फोकस करके दिखा दें कि गेट के अंदर कैसे एंटर होना है। इस वाले गेट से आपने एंटर होना है, यहाँ पर हमारे फीमेल वॉलंटियर्स मौजूद होंगी और वो आपको आगे फर्दर गाइड कर देंगी कि कैसे आगे जाना है। अच्छा पानी भी हम दे रहे हैं यहाँ पे, और पानी की फैसिलिटी भी इस गेट के अंदर होगी इंक्लोजर के। अच्छा, तो अगर कोई मोबाइल लेके आया तो उसका क्या होगा? मोबाइल इज नॉट अलाउड। तो तय भाई, मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं है, पर्सनल बिलोंगिंग्स भी कोई अलाउड नहीं, बैग्स शोल्डर बैग्स कुछ भी अलाउड नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं लेके आनी सिवाय हार्ड बोर्ड के, पेन के, बॉल पेन और हार्ड बोर्ड कैंडिडेट खुद लेकर आएगा। तो भाई स्टूडेंट्स को ये मेक श्योर करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा ये तो आपने फीमेल्स का बता दिया, चलें जरा चलते हैं और जो मेल की तरफ चलते हैं, मेल वाले गेट की तरफ। लेट्स गो। जी आप, तो हम इस वक्त मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम के गेट 10 पे। इस तरफ आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी है, वहाँ से एक्सपो सेंटर की तरफ से ये रोड आ रहा है टुवर्ड्स कारसास। अच्छा जी, तो हम अब चलते हैं वासिल भाई से पूछते हैं कि वासिल भाई इस गेट पे आखिर क्या होने वाला है, प्लीज बताइए। अच्छा कुतायो भाई, ये गेट नंबर 10 जो मेरा कैमरामैन इस वक्त दिखा रहा है आपको, इस गेट से हमने एंट्रेंस रखी हुई है, एक एंट्रेंस राइट पे जाएगी, एक एंट्रेंस लेफ्ट पे जाएगी। ठीक है, अगर मैं ये बताऊं आपको कि जो स्टूडेंट एंटर होगा गेट से, तो उसके एंटर होने के बाद जो राइट वाला साइड है उसके पास उसको गेट्स पड़ेंगे 9, 10 इंक्लोजर्स हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, ये इंक्लोजर्स उसके राइट साइड पे पड़ेंगे गेट से एंटर होने के बाद। ठीक है, और जो उसके लेफ्ट साइड है उस पर पड़ेंगे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 तक, क्योंकि 1 आपको पता है कि हमने फीमेल्स के लिए असाइन कर दिया है। तो ये 2 से लेके 14 तक का गेट की एंट्रेंस हमने गेट नंबर 10 से रखी हुई है, जो मेन एक्सपो सेंटर वाले रोड पे है, अपोजिट मशरक सेंटर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं कुछ पूछना चाहूँगा, यहाँ से आपको पता है बड़ा खतरनाक रोड है, बहुत तेज़ रोड है ये, तो क्या यहाँ से बाइक्स अंदर लेके आएंगे नहीं आएंगे, क्या करना है यहाँ पे? अच्छा पार्किंग का जो हमने सिनेरियो रखा है वो इस जो ही गेट है ना, गेट 10, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे दो हमारे पास पार्किंग के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अच्छा। एक चाइना ग्राउंड है जिसके अंदर हमने बाइक्स पार्किंग की अरेंजमेंट की हुई है, और एक NCC ग्राउंड है जो PSB का बोर्ड स्पोर्ट्स बोर्ड कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर हमने कार्स की फैसिलिटी रखी हुई है। कोई डायरेक्शन हम लगाएंगे, कोई बोर्ड वोर्ड बाहर लगाएंगे उसके? जी एग्जैक्टली, हम सैटरडे के दिन, कल के दिन हम कम्प्लीटली डायरेक्शंस लगा देंगे उसके ऊपर। अच्छा एक और मजे की बात, हम स्टूडेंट्स को वहाँ पे रोल नंबर्स की रेंज भी लगा के दे रहे हैं। Awesome. ताकि जो स्टूडेंट गाड़ी पार्क करे या बाइक पार्क करे, तो निकलते हुए उसको अपनी रेंज पता होगी उसको किस इंक्लोजर में जाके बैठना है। आप ही मेरे सामने देख सकते हैं गेट, ये इंक्लोजर नंबर 8 का गेट है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जो बच्चा एंटर होगा गेट 10 से, उसका सामने इंक्लोजर नंबर 8 पड़ेगा, फिर ऑनवर्ड्स राइट और लेफ्ट वो जाएगा, शिफ्टिंग होगी इस तरह। बेहतरीन, चले फिर आगे चलते हैं। चले वासिल भाई, नेशनल स्टेडियम दिख रहा है, वाइब जी नाइस वाली वाइब आ रही है। ठीक है, नॉइस एक्चुअली। ठीक है, तो ये बताया यहाँ से क्या सीन है भाई, यहाँ पे एंट्रेंस होगी नहीं होगी, कुछ इसके बारे में जरा बताएं। सर ये तो VIP एंट्रेंस है हमारी। अच्छा, इसमें गेस्ट वगैरह होंगे? इस पे हमारे प्रेसिडेंट साहब खुद तशरीफ लाएंगे, जिनकी गाड़ी अंदर जाएगी। अच्छा मैं आपको थोड़ा अब इसका एक ब्रीफ कर दूँ,
कि जो हमारे VIP गेस्ट हैं जिनको हमने इनविटेशन कार्ड दिए हुए हैं, जिनके हमने नाम स्पेशल ब्रांच पे दिए हुए हैं, वो हमारे मेन गेट से आएंगे। जो नेशनल स्टेडियम का मेन गेट है वहाँ पे हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे अवेलेबल होगा। अगर किसी गेस्ट को प्रॉब्लम आएगी तो वो उसके सारे इश्यूज रिजॉल्व कराएगा। इस गेट से एंट्री करेंगे यहाँ पे, मतलब आप देखेंगे यू टर्न लेके लेफ्ट साइड पे ना, मतलब एंट्री के राइट साइड पे एक पार्किंग बनी हुई अकेडमी के पीछे, या आप देख सकते हैं अकेडमी के बिल्कुल पीछे ना एक पार्किंग लॉट पूरा बना हुआ है। उस पार्किंग के अंदर हमारे VIP गेस्ट अपनी पार्किंग करेंगे। अच्छा, जब हम गेट से एंटर होंगे हमारे लेफ्ट साइड पे भी आपको पार्किंग नजर आएगी। तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो हमारी कोर टीम के मेंबर्स हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को रन कर रहे हैं, अराउंड 40-55 हेड्स हैं, वो अपनी पार्किंग वहाँ पे करेंगे। ठीक है, वो पार्क करेंगे एंड दे वुड बी वॉकिंग जी, वॉक करते हुए और फिर वो अंदर जाएंगे। ये भी एक गेट है, यहाँ पे वो अपनी आइडेंटिफिकेशन क्लियर कराएंगे और फिर वो अंदर इजीली जा सकते हैं। That's it. So I think exactly. अच्छा, ये जो हमारी पार्किंग है यहाँ पे जो इनकी स्क्वाड होती है पूरी, आपको पता है प्रोटोकॉल्स की, तो वो यहाँ से यहाँ पे होती है। I think आपने pretty much काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। Exactly. ये बहुत क्लियर हो गया सर। फैसिलिटी दी है जो कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो वॉलंटियर्स आ रहे हैं उनके लिए, तो आई होप यू गाइज वुड टेक हेल्प फ्रॉम दिस। और आई थिंक दैट वाज प्रीटी मच इट। सर एक चीज और ऐड करूंगा कि ओरिजिनल CNC मस्ट है, मास्क बहुत मस्ट है क्योंकि कोविड की वजह से SOPs को बहुत फॉलो किया जा रहा है। अदरवाइज किसी को भी स्टेडियम के अंदर बगैर मास्क की एंट्री नहीं करनी चाहिए। आई थिंक हमें इसको नोट करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए कि मास्क ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, और NIC वेरी बहुत जरूरी है। तो एंड करते हैं। एग्जैक्टली सर, बस यही है। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। थैंक यू।